बहन और भाइयों, थन सबने मेरी राम राम। थन शुक्रदेव की कहानी सुनाऊँ। आज शुक्रवार के दिन शुक्रदेव की पूजा हो, तो शुक्रवार के दिन व्रत करना चाहिए शुक्रदेव। और एक बूढ़ी मासी एक गांव में, और इनको दो एक बेटो एक बहू, दो जना वो करता। कई दिन होगा बूढ़ी माँ अपने नहा धो के स्नान करती, भगवान को व्रत करती, शुक्रदेव जी को व्रत करबो करती और कहानी सुनती। और उनका बेटा बहू सा, बेटो नौकरी लाग गो, बेटा बहू सा जो अच्छा बढ़िया काम चाल रहे, उसको सब घर में कोई कमी कौन सी। तो एक दिन बूढ़ी माँ बोली, ए बहू बोले, मैं तो जाऊँ छू हरिद्वार जी नापा, और तू भगवान शुक्रवार देव की पूजा पाठ करिए और एक व्रत करिए शुक्रवार की शुक्रवार, और बोले भगवान के भोग लगा फेरी खाणू खाई। बोले हाँ ठीक से माता जी। हमड़ बरली बूढ़ी माँ चली गई हरिद्वार जी, और उनकी बहू तो ना हुए ना दो हुए ना कोई स्नान कोई ना पा कुछ भी कौन करे ना भोग लगावे। और वह तो एक पणियारी आई, उन्हें कसे पणियारी ने, तू या प्रतिमा से शुक्रवार शुक्रदेव की प्रतिमान ले जा, तू का सड़ा से मेरे कना से। बोले ना बिरा, मत कौन ले जाऊँ, मेरे तो घर में पहले से इधर ही से भगवान की मूर्ति, मैं तो ना ले जाऊँ कसे। तो बोलो तो कस तो यहाँ करे एक काम कर, इन ठा ले जा अरे फेंकिया। तो भाई वाह ले जाकर उन्होंने फेंकी तो हाथ को नारे खाडो खोद कर उन दबाए आई, ले जाकर पणियारी खाडो खोद दर दबी आई। तो बूढ़ी भाई कई दिन होगा तो उनका तो घर की उल्टी स्थिति बिगड़ती आई। बूढ़ी का घर में तो उनका तो बहुत बुरा हाल होगो, चोर बढ़गा, चोरी कर लेगा, सब ख्यान सूत लेगा। और भाई उनका तो ना आज खा बाटे दाना ना बचा। बेटो बोलो करके ना सर, माँ गया पीछे दे अपना घर की क्या हालत होगी, माँ कहा गया तो पता सर ऐसा अब देख बुरी हालत होगी। बोल कुछ दिन तो चोर लेगा और कुछ दिन तेरी माँ तीर्थ कर बांट लेगी, अब मारकन के सकस है किम भी न मारकन। तो बोले आई बूढ़ी भाई पाँच चार दिन नहा धोकर अपना आई, आई तो आउती बोले माँ मैं तो बहुत दुख पाया, मार तो दाना भी कोने खा बाटे, मैं तो भूखा थे सारा डोलना सा, मार तो नाज भी कोने खा बाटे। तो बोले बेटा कोई बात ना, शुक्रदेव जी महाराज करेंगा कैसे अपनों सब की काम उल्ट हो सही चलाऊंगा। बोले सब कर महाराज, सब कुछ करेगा। तो बात जाके भीतर देखी तो भगवान की शुक्रदेव जी की प्रतिमा कौन छी, देखता ही बोली बोले बेटा वा कड़ गई। तो बेटो बोले बे माँ मन तो कौन बेरो, फिर बहू ने बूझी तो बहू कैसे है, मैं तो पणियारी दे दी नहीं, पणियारी कन बागी बागी गई बूढ़ी। तो पणियारी बोली तेरी बहू का कह बस मत ले आई और मत दबाया ही काडा। बूढ़ी जाकर काडा मा से वो मूर्ति ने काटी, उन्हें नुहाई दुहाई और फिर उनका तिलक छापा करया और उनको व्रत करो खाणी सुनी भाई सारा काम कर कर। फिर बूढ़ी तो उनकी रोज की पूजा करे भगवान का भोग लगावे, तो वह तो पहले की तरह ही उनको धन भी होगो और उनका सब कुछ होगो, खाना पीना को भी इंतजार होगो। तो सब की मेरे को बेटो भी नौकरी लाग गो, सब कुछ सही सही होगा। ये भगवान जैसे बुढ़ी ने पहले दी जैसी तो सबने दिए, और उनका बेटा भगवान दिया जैसा कह नहीं मन दिए, कहता नहीं सुनता नहीं उखार बरता नहीं, ये भगवान सबका ही भला करिए।